तो हम में आप देख रहे हैं कि यह जनसंवाद के साथ साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी लगातार लोगों से मिल रहे हैं और वहीं पर जनसभा भी कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह अयोध्या का खास नजरिए के साथ साथ सभी लोग कैंडिडेट आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश के योगी जी यहाँ पर आए हुए थे और आज जो है देश के बहुत बड़ी विकास धाराओं के साथ जिस तरह से डबल इंजन कहा जाता है बहुत ही अच्छा लगा लोगों को और लाखों की संख्या में आज सुहाव में लोग इकट्ठा हुए। या विकास स्तर के बारे में भी हम आपको दिखाएंगे और हम चल रहे हैं इस वक्त गाँव बीकापुर और आपको वहाँ का लाइव दिखाएंगे। थैंक यू। मैं सुहावल में हूं और आप देख सकते हैं अयोध्या का ये जो है सुहावल सीट और बीकापुर का, यहां पर आप देख रहे हैं कि अमित सिंह चौहान जी का यहां पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी खुद यहां पर विराजमान हुए, वहीं पर आज सभी लोगों का जो रैली में देखा गया लाखों की संख्या में आज हमारे साथ मौजूद हैं। गुंजन जी, जी स्वागत है। क्या किस नज़रिए से आप देखती हैं उत्तर प्रदेश सरकार विकास के बारे में? अच्छा से देख रही हूँ, समझ रही हूँ और हमारा उत्तर प्रदेश बहुत विकास कर मिल पा रहा है, विकास मिल रहा है उनको और ऐसे आगे भी मिलता रहेगा, कोशिश तो यही है। और हमारे आदित्यनाथ योगी ने जो किया है, जो मोदी जी ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है जी। जिस तरह से अपराध बहुत सारे बढ़ गए थे अपने देश में, अपने राज्य में, वो अब उनके जब से वो उनकी सरकार आई बहुत बहुत खत्म हो गया है जी। महिलाओं को और क्या सुविधा मिला है? महिलाओं के लिए बहुत सुविधा, जिस तरीके से हमारे यहाँ गैस की सुविधा दी है और जो महिलाएं बाहर जाती थी बाथरूम लेटने के लिए वो दिया, उन्हें शौचालय बनवाया, उन्होंने राशन कोरोना काल में दिया, उन्होंने ऐसी बहुत मतलब समस्या जो थी उन्होंने दूर किया है जी। और बहुत अच्छा विकास किया है उत्तर प्रदेश का और आगे भी विकास आएगा जी। तो अयोध्या का पांचों सीट के बारे में क्या कहना चाहती हो? हम तो यही कहना चाहते हैं बस मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी और योगी जी, योगी जी डबल इंजन की सरकार जी। तो और गैस के बारे में बताओ, गैस के बारे में बता रहे हैं कि महिलाएं पहले चूल्हा जलाती थी, उनके पास जो है तो बताइए फिर से बताओ और क्या बताना है? सुनो, बुजुर्गों को जो है पेंशन बढ़ा दिया गया और स्कूटरी अब बच्चियों को मिलने जा रहा है, लैपटॉप वगैरह तो मिल चुका है और जिसे नहीं मिला है जितने बाद और मिलेगा, यही सब बोलती रहो, याद कर लो फटाफट, 10-5 मिनट जुट जाती है, याद कर लो। चलिए ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि बहुत विकास हुआ है मोदी जी के आने पर, आदित्यनाथ योगी के आने पर उत्तर प्रदेश का बहुत विकास हुआ है और जिस तरीके से बहुत समस्याएं थी और लड़कियां रोड पर निकलने से डरती थी और बहुत दबंगई होती थी, अब कोई डर नहीं है, कहीं भी जा सके आ सके औरत महिलाएं। और जिस तरीका ये गैस की समस्या थी वो मिल गया, जिस तरीका जो है कि राशन कोरोना काल में मिला और इतना राशन मिल रहा है, गुंडागर्दी खत्म हो गई, गुंडागर्दी खत्म हो गई है और जो है कि पढ़ाई लिखाई में बहुत एजुकेशन में बहुत अच्छा मिला है और जो बुजुर्गों को जय श्री राम, जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, डॉक्टर अमित सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो बुजुर्गों ने जो जितने विधवा पेंशन बनी है, बुढ़ापा पेंशन बना है, उनको भी व्यवस्था मिल रही है, टाइम टाइम से उनको मिल रहा है और ये जो विकास हो रहा है, जो ये खेत वाला किसानों को पैसे मिल रहा है वो अब 2000 रोड बढ़ा के 8000 कर दिया है और पेंशन जिसको 1000 थी वो 1500 कर दिया है और बहुत ऐसे
मतलब एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी लाइट लाइट भी जो पहले कितनी सरकार आई, सरकार आई माया बत्ती आई, और जो इतने सालों से इंदिरा गांधी का वो था, राजीव गांधी का था, वो कभी बिजली नहीं पहुंचाई, बस कभी बिजली नहीं पहुंचाई। और वहाँ आप देखो गांव गांव बिजली है, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बिजली रहती भी है, पहले बिजली भी नहीं थी, जो रही भी तो एक घंटा आधा घंटा के अलावा, घंटा दो घंटे के अलावा मिलती भी नहीं थी बिजली। आप बिजली 24 घंटे के अंदर कम से कम 20 घंटा 22 घंटा इतना तो जरूर मिलती है। आप राकेश जायसवाल हैं बीजेपी से, आप अमित सिंह चौहान के लिए क्या कहना चाहते हैं? जोर से बोलिए। मैं राकेश जायसवाल मंडल उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम लोग अभी अभी हमारे तेजस्वी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। स्वस्थ रहें आप।